अभियान चला रही है। दो दिन में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ताजा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे बदमाशों को दबोच लिया। ये क्राइम ब्रांच और आलमबाग थाने के संयुक्त कार्रवाई हुई है, और कुछ दिन से हमारे सर्वेलेंस पे एक गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसके बारे में ये था कि ये डकैतियाँ डालता है, लूट करता है, घरों में घुस कर लूट करता है, और इस दौरान लोगों को घायल भी करता है, वेपन्स भी यूज़ करते हैं। इस सूचना पर आज हमारे पास एक पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन थी कि ये लोग इस इलाके से होकर जाएंगे, और इनकी योजना थी घटना करने की। उस सूचना पर क्राइम ब्रांच और आलमबाग पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, चेकिंग लगी हुई थी। इस चौकिंग में एक संदिग्ध गाड़ी बिना नंबर की फोर्ड फिगो व्हाइट कलर की दिखी जाती हुई, जिसको रोका गया। ये लोग न रुकते हुए चेकिंग से बैरियर को हटाते हुए आगे तेजी से बढ़े, और इस बीच भी जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, रोकने के बावजूद इधर से फायर हुए हैं। कानपुर में किराएदार ने मकान कब्जाने और बुजुर्ग मकान मालिक को